इस चैप्टर का एक जो लास्ट टैग बचा हुआ है कौन सा है? फॉन्ट टैग। इसको देख लेते हैं हम लोग कि फॉन्ट टैग क्या होता है। फॉन्ट टैग जो होता है वो कंटेनर टैग का एग्जांपल होता है। ये क्या होता है? इसके भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं और इसके दो तीन जो एट्रीब्यूट होते हैं, साइज, कलर और फेस। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि फॉन्ट टैग का यूज कैसे किया जाता है। सपोज दैट हम लोगों ने क्या किया, बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉन्ट टैग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉन्ट टैग स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, कोई भी सेंटेंस कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। टुडे वी हैव लर्न song text which is used in HTML document और इस तरह से यूज करके हम क्या कर देंगे, इसको फॉन्ट टैग को यूज कर देंगे। सपोज दैट ये हमने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अब हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करें। फॉन्ट लिख देने से ये कुछ नहीं होगा, एज यूजुअल जैसा है वैसा ही हमें कवर पेज पे दिखाई देगा। लेकिन इसका एट्रीब्यूट अगर हम लोग यूज करते हैं तो इस फॉन्ट को बड़े चेंजेस कर सकते हैं। क्या है, अगर इसी फॉन्ट के साथ हम लोग इसका एट्रीब्यूट साइज का यूज करते हैं, साइज इक्वल टू 13, फिर इसको क्लोज कर दो, तो ये क्या हुआ, ये इसका साइज को भी चेंज कर लेगा। यानी कि हम लोग जब जितना भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आता है उसका साइज कितना होता है, 13 होता है। तो समझ लो उतना बड़ा लिखना हो तो वो क्या करेगा, हम लोग साइज इसका जितना यूज करेंगे 13, और उससे थोड़ा और बड़ा लिखना हो तो जूनियर क्लास का बच्चे का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसका कितना 16 साइज होता है, 14 या 16 साइज होता है। तो अगर हम लोग को अपने फोन का इसका साइज बड़ा या छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए तो फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, रेड, पर्पल, जो भी कलर डालना है वो हम लोग डाल देंगे और उसको डबल इंवर्टेड कॉमा से क्लोज करके एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर रेड लिखे हैं तो ये अब जो वेब पेज हम लोग ओपन करेंगे तो उसमें सब के सब कैसा दिखाई देगा, रेड हो जाएगा। हमारा फॉन्ट कैसा हो जाएगा, रेड। इसके पहले जब बॉडी बैकग्राउंड का हम लोग पढ़ रहे थे तो बॉडी बैकग्राउंड का हम लोग क्या देखे थे, हम लोग कि उसका बैकग्राउंड यानी जैसे ये बोर्ड कैसा कलर है, ग्रीन कलर है, और ये जो लिख रहे हैं ये कौन सा, ये फॉन्ट का कलर कितना है तो वो कैसा है, वाइट है। तो उसी तरह से ये वाइट कलर है तो वे पेज के बैकग्राउंड जो है वो वाइट होता है, उसको हम लोग अदर कलर में चेंज कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं। वो उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी टैग में जो एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर वहाँ से उसको ग्रीन कर देंगे, और जो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट लिख रहे हैं तो फॉन्ट टैग में इसका कलर चेंज कर देंगे वाइट या फिर वाइट। ऐसे ही सेंटेंस वेब पेज पे दिखने लगेगा। ठीक, दूसरा बात हम चाहते हैं इसका इसका स्टाइल चेंज कर दें, यानी कि हम क्या लिखते हैं, कुछ कॉर्सिंग भी लिखते हैं, कुछ सीधा नॉर्मल लिखते हैं, है ना, अपना स्टाइल होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते थे हम लोग तो बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होता था ना, उसमें स्टाइल में कुछ बताते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक तरह का फॉन्ट स्टाइल लेना है। एरियल ये भी क्या है, एक फॉन्ट नेम है, फॉन्ट का नेम है। उसका में क्या इंडिया, ये भी क्या है, एक फॉन्ट नेम है। लेबेडिन, लेबेडिन ये क्या है, फॉन्ट नेम है। एडोलस, ये सब क्या है, बहुत सारे फॉन्ट का नेम है जो फॉन्ट लिस्ट है। और इसको जानना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए, उसमें फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल मतलब डिस्टर्ब करता है, उसको आप देख सकते हैं। त्रुटि देव हिंदी में अगर
फेस हो गया, यानी कि जो पॉइंट नंबर फोर पर जो थे वही अब क्या हो गया, फेस हो गया। क्यों फेस हो गया, क्योंकि ये सब शब्द ये सब क्या है, फॉन्ट है, और पहले फॉन्ट स्टाइल एक था और क्या हो गया, फॉन्ट फेस हो गया, यानी कि दिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, फॉन्ट का फेस हो जा रहा है। ठीक, यानी कि जब हम लोग फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का कैसे यूज करेंगे वो दिखाते हैं। फॉन्ट फेस इक्वल टू मोनोटाइप पर्सीवा, मोनोटाइप पर्सीवा ये क्या होता है, फॉन्ट का नेम होता है। टाइम्स न्यू रोमन ये भी क्या होता है, फॉन्ट का नेम होता है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ये भी है, जॉन मर्फी के नाम से इसको प्रयोग करते हैं। तो ये जितना लिखा हुआ है वो ग्रेट टेक्स्ट बुक टाइम्स न्यू रोमन में लिखा गया। इस तरह से हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करता है। कोई प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।